विजयपुर में उपचुनाव के बीच विवाद की स्थिति भी उपजी है। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान यहां पर विवाद हुआ है। वीरपुर के सीखेड़ा मतदान केंद्र पर हंगामे की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच पथराव और लाठी डंडे चले हैं। विवाद में 4 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। मतदान प्रभावित करने की यहां पर बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस बल पहुंचा है। वीरपुर थाना इलाके के सीखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा में उपचुनाव जारी है, लेकिन उपचुनाव के मतदान के बीच वीरपुर के सीखेड़ा मतदान केंद्र की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता नासिर गौरी वहां पर जुड़े हुए हैं। नासिर, वीरपुर के सीखेड़ा मतदान केंद्र पर हंगामे की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, पर्यवेक्षक भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, और इसी विवाद के चलते दोनों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल पहुँचाया गया है। आनंद फानंद में भारी पुलिस फोर्स भी है, वीरपुर गाँव में वो पहुँच गया है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पर चक्का जाम करने की कोशिश की गई थी, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको हटा दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन उसके बाद अब प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको अब नजरबंद कर लिया है। विजयपुर में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत, उनको नजरबंद किया गया है, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा, उनको वीरपुर गांव में जो गेस्ट हाउस है वहां पर नजरबंद किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो शिवपुर के जो कलेक्टर हैं किशोर कान्याल, उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि छिटपुट घटनाओं की खबरें जरूर आ रही है, लेकिन 90% ऐसी शिकायतें उनके पास पहुंची है जो अभी तक फेक निकली है, यानी कि अफवाह साबित हुई है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर जरूर खबरें आई है, तो उसको एहतियात के तौर पर वहां पर पुलिस फोर्स एक्शन पहुंचा, तत्काल रिस्पांस दिया, और उसके बाद वहां पर सामान है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप अगर बात करें 11 बजे तक 40% मतदान हो चुका है, तो एक बड़ा रेशो है, और माना जा रहा है अगर इस तरह से ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह अगर दिखाई दिया तो शाम तक बहुत ज्यादा आंकड़े देखने को मिलेंगे। और हम बात की जाए तो कुछ जो इलाकों की बात की जाए तो अभी भी 164 ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरे तो 300 से ज्यादा है, लेकिन 164 को उस क्राइटेरिया में रखा, और IBC 24 पहले दिन से कह रहा था कि ये चुनाव बेहद खास है, और इस चुनाव को जीतने के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और यही वजह है कि लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि घटनाओं की खबरें आ रही है। 2 दिन पहले भी गोलीबारी हुई थी, उसमें 7 से 8 लोग घायल हुए थे, जिसमें से इलाज चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल नासिर, उसी घटना के बाद से ये माना जा रहा था कि सुरक्षा की व्यवस्था हर मतदान केंद्र में चाक चौबंद रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर हाथापाई की घटना सामने आई है, ये गंभीर सवालों को भी खड़ा करता है। फिलहाल स्थिति पर नजर बनाकर आप रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी वोटिंग केंद्र में, मतदान केंद्र में जिस तरह से यहाँ हाथापाई हुई है, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, हमारे संवाददाता नासिर गौरी वहां पर मौजूद है, उन्होंने पूरा अपडेट दिया कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुलाई गई और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल, लेकिन इस हाथापाई के बीच, इन विवाद की स्थिति के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि क्षेत्र में 40% वोटिंग अब तक दर्ज की जा चुकी है, यानी कि शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 11 से लेकर 3 बजे तक सबसे ज्यादा लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक जो लेटेस्ट अपडेट हमारे संवाददाता ने हमें बताया, 40% वोटिंग यहां पर हो चुकी है और माना जा रहा है कि अब इसमें और तेजी आएगी।